अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक। नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह के साथ नए मेहमानों के साथ नया टॉपिक रोजाना लाती हूँ और नया गेस्ट होते हैं, नए आर्टिस्ट होते हैं, न्यू टैलेंट होता है। ऐसे ही आज हमारे साथ न्यू टैलेंट मौजूद हैं और क्या करते हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक है, एक टिकटॉक की दुनिया से इनका ताल्लुक है ये मैं बताती चलूँ, और कब से है और टिकटॉक क्या है, टिकटॉक ऐप क्या है, टिकटॉक से क्या फायदा है, क्या नुकसान आते हैं, ये हम पूछेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो पर जाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में ये टिकटॉक की जो टीम है बहुत अच्छी है, इज्जत भी होती है इसमें हर चीज। और पहले मैंने छोड़ दिया था टिकटॉक बनाना, कोई ऐसा शख्स था उसने बोला था यार टिकटॉक जो है ऐप है वो सुठी है, बेहतरीन है, आप टिकटॉक नहीं छोड़े, आप सुठे इंसान भी है और टिकटॉक भी बेहतरीन बनाते हो। हाँ हाँ। आप टिकटॉक नहीं छोड़ो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे लेकिन टिकटॉक नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया, काफी इज्जत मिल रही है, काफी इज्जत बन रही है माशाल्लाह। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं टिकटॉक किसको देख के बनाना शुरू की थी आप? बस कोई शख्स था उसको मैंने देख के बनाना शुरू कर लड़की दिया, थी क्या? बस कोई भी था, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, कोई भी था, बस उसको देख के मैंने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, अभी आगे काफी बनाएंगे टिकटॉक। ओके। और ये फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? हमारा अली भाई हैदराबादी। अली हैदराबादी। गर्ल्स में? जी। लड़कियों में कौन है? काफी है, अभी कोई इसका नाम नहीं ले सका मैं, काफी टिकटॉकर हैं। फिर भी हमारे सामने टिकटॉकर भी है तारा। नहीं, मेरे अलावा कोई और जिसको आप लाइक करते हो? बस मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, काफी है। मर्जी है बाबा, ये तो कैमरे की पीछे की बातें हैं, ठीक है रखते हैं हम कैमरे के पीछे। जी। ये खाने में क्या पसंद है आपको? हम तो बिरयानी भी बहुत शौक से खाते हैं। वाह 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 वाह। मुझे ये बताएं करते क्या है? टिकटॉक तो एक ऐप है, ये तो मतलब एक वही फन है। जी। टिकटॉक के अलावा रियल लाइफ क्या है आपकी? रियल लाइफ में क्या करते हैं? हम इधर जो है काम ये करते हैं, हमारी ड्यूटी है इधर, हम ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद जो हमारा टाइम होता है उसके बाद टिकटॉक बनाते हैं और दोस्तों के साथ घूमने फिरने टिकटॉक बनाते हैं और हमारा ये टाइम। कराची में आउटिंग में जाते हैं, आउट ऑफ सिटी? जी। कराची में आउटिंग करते हैं या कराची से बाहर? कराची में ही करते हैं। कराची की खूबसूरत जगह का नाम जहाँ आपको टिकटॉक बनाने में मजा आता है? ये डिफेंस। डिफेंस में टिकटॉक बस खत्म, खूबसूरत प्लेस डिफेंस है कराची की। बस ये सुपर जो स्टार है, हाइपर स्टार, हाइपर स्टार नाम नहीं ले रहा, खैर हो गई, खैर हो गई, वो अच्छी लगती है। जी ओके ओके। हाइपर स्टार भाई इनको अच्छा लगता है, वहाँ पे जाते हैं टिकटॉक बनाते हैं और वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं। कराची की फेवरेट प्लेस है जाहिद हुसैन की हाइपर स्टार, और फेवरेट टिकटॉकर का नाम अली हैदराबादी। गर्ल्स ने मुझे कंसीडर किया लेकिन मेरे अलावा किसी और का नाम भी लेना नहीं चाह रहे, वो कैमरे के पीछे रखना चाह रहे हैं। और इसके अलावा ये ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप मुझे जहाँ जॉब करते हैं वो लोग नहीं पूछते भाई ये टिकटॉक बना रहे हो ये क्या है? नहीं नहीं वो कहते हैं अपनी ड्यूटी करके आप जो आपका टाइम है दिन में ड्यूटी करो, रात की आपकी मर्जी जहाँ पे घूमो फिरो, और ऐसा आपको दोस्त बुलाना चाहते हैं दिन में भी हम आपको छुट्टी दे सकते हैं, आप जा सकते हैं। अच्छा, अच्छे लोग हैं जी वो, काफी लोग अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा। हमारी इज्जत करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिंदगी में कोई किसी से गिला, किसी से कोई शिकवा? बस गिला तो अच्छी नहीं है किसी की करना, लेकिन किसी की बात है जो है ना सही करना वो नेकी की बात है, गिला तो बुरी है, हम किसी की बुराई नहीं करते, नहीं इसलिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि अगर किसी से मिलने का मौका मिलेगा आपको, जी, जो आपकी फेवरेट हो जी आर्टिस्ट में, सेलिब्रिटी में, किससे मुलाकात करना पसंद करेंगे? जी किससे मिलना पसंद करेंगे? मतलब मैं नहीं समझा। मतलब जैसे इतने हमारे टिकटॉकर्स भी हैं, फेवरेट हैं आपके, जी, किसी से मिलना चाहो अगर, यार मुझे इसके साथ मिलके वीडियोस बनानी है, जी, कौन होगा वो? अक्षय किंजर। अक्षय किंजर, ये यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि कौन है फेवरेट। अक्षय जमाली से आप वीडियो बनाना चाहिए? जी जी। ठीक हो गया। अक्षय जमाली के अलावा और हमारी सिंध की बेहतरीन आर्टिस्ट और भी हैं जी,
नाम नहीं आ रहा है उसका, लेकिन दिल तो बहुत कह रही है। अभी मैं इसी टीटो को, मैं अभी आया हूँ, मैं कुछ टाइम लगेगा मुझे, किसी से टाइम ले हम लेंगे तो फिर आगे जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फेवरेट सिंगर में कौन फेवरेट है आपका? मुमताज मौलाई। मुमताज मौलाई। मौलाई के बदो तो कृपा हमें जानी बेवफाई जुदा गो। यो आ रहे जी बिल्कुल। और गर्ल्स में फायजा अली सिंगर फाइज अली, हमारी जी, बेहतरीन सिंध की मशहूर स्टार हैं, सिंगर हैं, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यारी, घर का मेरा हिस्सा है, घर का मेरा फर्द है एक, उसके बगैर है शायद। उसको मैं बड़ा मिस भी कर रही हूँ, और मिस ऐसे कर रही हूँ कि जो है काफ़ी टाइम हो गया उससे मुलाकात भी नहीं हुई, तो मेरे शो पे भी जल्दी आए भाई, दोबारा से रौनक लगाएं जैसे। आपकी तो दोस्त है काफी वो। हाँ मेरी बहन है, बहन दोस्त ही बहन है, छोटी सिस्टर की तरह है, तो ये बात है। और वो हमारे साथ हर वक्त होती है यादों में, हमारी मेमोरीज में, और जल्दी आएगी कराची। जी, सही। ठीक हो गया, ये तो भाई फायदा तुम्हारी तारीफ की। अब हम जायद हुसैन की तरफ आते हैं। स्टडी पढ़ाई की आपने? पढ़ाई हमने जिंदगी भर कभी नहीं किया। यूं तो हमारा उधर अपना कारोबार था, हम अपनी खेतों कौन सी पर, सिटी से बिलोंग करते हैं? खैरपुर से। खैरपुर की क्या चीज मशहूर है? अच्छा, खजूर, खजूर या अचार? पहले सोच ले। अचार भी मशहूर है, खजूर भी हमारी मशहूर है, ठेड़ी बाईपास अच्छा जी। ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि अली हैदर जिसने आपको रेफर किया कैसा जी बंदा है, अपने प्यारे दोस्त के बारे में? वो बेहतरीन बंदा है, उसके पास कोई भी बंदा जाता है उसकी इज्जत करता है, उसको बिठाता है, वो तो उसकी इज्जत करता है, बेहतरीन बंदा है, इसलिए मैंने उसका नाम दिया है। हमारा पहले नंबर टिकटों पर इज्जत वाला है वो। और कोई बस आपका कोई दोस्त बहुत गहरा टिकटॉक कौन बनाता है आपकी? दोस्त मेरा है नवीद सोलंकी साहब बनाते हैं, वो जी, आपका अच्छा दोस्त है। वो बेहतरीन इंसान है, इज्जत बहुत करता है हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा ही है। अच्छा, आपको मेरे शो पे आके कैसा लगा? मेरे शो पे मुझसे मिलके कैसा लगा? बेहतरीन लगा, आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने हमारे को बुलाया, हम आके इधर बहुत खुश हो गए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला अली हैदर ने बताया भाई तारा के शो पे जाना है, तो क्या था, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे? मेरे को बहुत खुशी हुई थी, मैं तारा के शो में जा रहा हूँ, कभी मैंने नहीं आया हूँ शो में, अभी पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, अभी आप सामने देख रहे हो मुझे, मैं कितना खुश हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, कोई खुशी आती है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। मैं बहुत दिल से खुश होती हूँ जब कोई मेरी वजह से हैप्पी होता है। जी जी थैंक तो आप लोग ऐसी मेहनत करते रहें, यू जी, मेहनत जारी रखें, बहुत आगे तक जाएंगे, इंशाल्लाह। और ऐसी टिकटॉक पे अपना नाम भी बनाएं। अच्छा टिकटॉक तो पैसे तो नहीं देता, तो क्यों पैसे नहीं बनाते मिलती हो? है टाइम वेस्ट। लेकिन इज्जत तो मिलती है ना। अच्छा हाँ, पैसे कोई भी उसकी हमारे को परवाह नहीं है, पैसों की अल्लाह का शुक्र है हमारे पास पैसे अपने हैं, लेकिन आधा आधा सबके पास पैसे अपने होते हैं। लेकिन पैसा तो नहीं टिकटॉक देता है ना, लेकिन इज्जत तो मिलती है ना टिकटॉक के जरिए। तो आपको वो इज्जत मिल रही है टिकटॉक जी से? ओके हो गया, ओके हो गया। तो भाई ये है जाहिद हुसैन की कहानी, कहाँ से टिकटॉक शुरू किया, किसको देख के शुरू किया, अभी कितने फॉलोवरशिप है, आई थिंक 35,000 फॉलोवरशिप इन्होंने गेन कर ली है, और आगे मेहनत कर रहे हैं लगे हुए, और आगे अल्लाह करे मिलियंस में आपके फॉलोअर्स जाएं, मिलियंस में लाइक्स जाएं। और जिंदगी है, जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए इंसान को, चाहे वो कोई भी ऐप हो, उसमें मेहनत जरूरी है। और ये थे जाहिद हुसैन और इनकी कहानी, कुछ शेयर करेंगे पब्लिक से, व्यूअर्स से, कि अपने फैन से? जी, मुझे काफ़ी दोस्त है, मुझे वो कहते हैं टिकटॉक बनाना नहीं छोड़ो, पहले आपने छोड़ा था, अभी आपने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया, आपको रिप्लाई बहुत अच्छी आ रहे हैं, और दोस्त बाग जो तुम्हारे हैं काफ़ी, वो कहते हैं यार तुम्हारा जाहिद हुसैन जो वफा है वहाँ बहुत टिकटॉक करे, उसकी इज्जत करो, उसकी हेल्प करो जो आगे बढ़े, काफ़ी इज्जत करते हैं टिकटॉक कर हमारे को। हैदर भाई है हमारा दोस्त, फिर वो भी हमारी इज्जत बहुत करता है। सिंगिंग का शौक है, नहीं गाना गाने का शौक नहीं है? नहीं होता है ना काफी। नहीं ये मौलाई का गाना कोई याद है तो हमें गुनगुना के बताएं आप, सही मुमताज मौलाई का। मंत्रा मुलाई का, मंत्रा मुलाई सर तो याद नहीं अभी। फिर भी सोचे सोच के अभी बताऊं कौन सा मुझे याद है, ये शायरी का शौक है, शायरी का मैंने पता, किस चीज का शौक है फिर? यही हमारा शौक है जो हमारा टेटो बनाने शुरू किए, यही भी हम काम किया, मतलब बेहतरीन ये किया। ठीक हो गया,
जी तो भाई ये थे जाहिद हुसैन, जिनको टिकटॉक का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा क्रेज है, और आज हमारे शो पर आए और बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं। इनको जब पता चला कि मैंने इनको शो के लिए कॉल करवाया है स्टूडियो से, तो इन्होंने जो है अपना ड्यूटी ऑफ करके ये यहाँ पर आए, और इन्होंने बोला कि मुझे शो पे लाजमी जाना है, और बेचारे बहुत जल्दी आके बैठे, पहुंचे टाइम पर जी और शो में हिस्सा लिया, और बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं कि ऐसी आगे भी मैं शो ज्वाइन करता रहूँ, शो करता रहूँ, और जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह ऐसे आपके सामने आर्टिस्ट आते रहेंगे, गेस्ट आते रहेंगे, न्यू टैलेंट आता रहेगा। जैसा कि मैं आपको पता है न्यू टैलेंट प्रमोट करती हूँ, और न्यू टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। जैसा कि आज जाहिद हुसैन आए तो इनको प्रमोट भी किया, इनको बुलाया अपने शो पे, और ऐसे ही ये टिकटॉक पे मेहनत कर रहे हैं कि इनको मिलियंस में फॉलोअरशिप जाए और बड़े बड़े शोज में ये जाएं और ज्यादा। ऐसा ही है जी क्योंकि जाहिद हुसैन इस पे बहुत नर्वस है, तो इनकी बातें भी मैं बोल रही हूँ, जी बहुत कंफ्यूज बैठे हैं, बहुत नर्वस हैं, तो मैं कहती हूँ कि यार चलो इनकी जगह थोड़ा मैं बोल लूँ, नहीं तो लोग कहेंगे आज शो में सब मॉर्निंग की बजाय नाइट शो लग रहा है। तो मैं ये इसलिए थोड़ा कम बोल रहा हूँ कि वो पहली बार में आया हूँ, मुझे कोई ऐसा पता नहीं है, लेकिन दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, आपको शायरी भी बताएंगे, गाना भी सही है, बनाएंगे। दोबारा आएंगे तो दौलत दमामन के साथ हाँ आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। बस ठीक हो गया, वो एक गाना है हमारा, तोखे वठण मुंजा जानी ढोल हाँ दमामन दोनों साईंदा जमाना से, तो ठीक ये कह रहे हैं जब मैं दोबारा आऊंगा तो हम लोग ढोल दमामन के साथ आएंगे, और इंशाल्लाह फिर आपको हम सुनाएंगे, गाने भी सुनाएंगे, शायरी जी भी सुनाएंगे, और बहुत चीजें भी सुनाएंगे। बताएंगे हम आपको। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, जी जाहिद हुसैन ने आज कसम खाई है कि जो जो सवाल होगा उसी का मैं जवाब दूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। जाहिद हुसैन ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, कुछ ओके। नहीं बोलेंगे लोगों को, नहीं कैमरे नहीं अभी नहीं बोलूंगा, दोबारा आऊंगा फिर आप जैसे बोलेंगे हम बोलेंगे। चल रहे हैं, कुछ नहीं हाँ बोलोगे नहीं नहीं अभी नहीं भाव, कैमरे चल रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं बोले आप। आप कुछ नहीं बोलोगे बोल रहा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कैमरे चल रहे हैं, दोबारा आऊंगा तो बोलूंगा। तो ये वो जो मैच खेलते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट बॉल ट्राई होती है, ये वो वाला सीन है, जी, वो ही है ना। आप फर्स्ट बॉल ट्राई हाँ कर रहे दोबारा हैं। आऊंगा इंशाल्लाह, वो फिर करेंगे। अरे बाबा ये तो आज मेरे साथ ही प्रैंक हो गया है, चलें खैर है, ऐसी मेहनत करें, अब ये है कि इंशाल्लाह जी नेक्स्ट रात जब आए तो इंशाल्लाह ओके ओके आना, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे दें इजाजत, जाहिद हुसैन ने आज कुछ नहीं बोला, नेक्स्ट टाइम आके ये बोलेंगे, और नेक्स्ट टाइम आपको आके, थैंक यू, ठीक हम है, बोलेंगे ठीक। हम बोलेंगे, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज।